ये वीडियो आप सभी पेड मेंबर्स के लिए बनाया जा रहा है और आप सभी को पता होगा फैंटेसी गेम में जब भी सबसे बड़ी विनिंग की बात आती है सागा फ्लैशबैक का नाम नंबर वन पे आता है बिकॉज हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ विन करते हैं और हमको पहले से पता होता है किस मैच में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैच का सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कल हमने एकमात्र मैच में इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने 20 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, 2999 वाले और 525 रुपये वाला एक कॉन्टेस्ट हमने ज्वाइन किया था। हमने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया हमने जो प्रॉफिट अर्न किया लगभग 50,000 के आसपास हमने प्रॉफिट अर्न किया। आप कैलकुलेट खुद से कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको लीग दिखा देता हूँ। 525 वाली एक लीग थी जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पे आप देखोगे कहीं होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक 525 वाली लीग आपको दिख रही है, बाकी 2999 वाली लीग है। तो अगर आप 3,000 मान के चलोगे एक लीग की प्राइस है तो 20 लीग के अकॉर्डिंग 60,000 हुआ एंड 525 आप जोड़ दो तो हम टोटल मान के चल रहे 60,000 इन्वेस्टमेंट करके हमने 110,000 विन किया, तो 50,000 रुपये का राउंड फिगर में हमको प्रॉफिट हुआ। कई बार बहुत ज़्यादा पॉइंट के डिफरेंस से हम विन करते हैं, कई बार कम पॉइंट के डिफरेंस से हम विन करते हैं। जैसे आप देखोगे हमारे जो नंबर दो नंबर तीन पे हैं उनका सेम पॉइंट है, सेम टीम होगी मे बी। यहाँ देख सकते हो हमारी टीम थी, जो कि हमारी टीम में विल समीत थे जिनको कम लोगों ने लिया था। यहाँ पे देख सकते हो मात्र 34% का सिलेक्शन है, इन्होंने सेंचुरी लगाई थी, 50 बॉल में 101 रन बना दिए थे। एंड इसके अलावा हमारी टीम में वही इंपॉर्टेंट प्लेयर थे जो होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ और लीग में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ भी बहुत ज़्यादा पॉइंट का डिफरेंस नहीं है लेकिन नंबर तीन और नंबर चार पे जो ओपोनेंट है उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसके बाद आप देखोगे कुछ और लीग में आपको दिखा देता हूँ, किसी किसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसमें भी केवल 25 पॉइंट का डिफरेंस है। इसके अलावा कुछ और लीग में आपको दिखा देता हूँ, एक एक करके मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ सेम ओपोनेंट है इसलिए सेम पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ अच्छा डिफरेंस है, करीब 60 पॉइंट का डिफरेंस है। इसके अलावा आप यहाँ देखोगे यहाँ भी कम डिफरेंस है। तो डिफरेंस अपने लिए मायने नहीं रखते, अपने लिए मायने रखता है प्रॉफिट होना चाहिए एंड मेंबर्स ने भी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। यहाँ देख सकते हो 100 से ज़्यादा पॉइंट का डिफरेंस है। ये हमारी टीम है, ये हमारे ओपोनेंट की टीम है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे यहाँ कम डिफरेंस है। तो इसी तरीके से रैंडमली मैंने आपको लगभग सारी लीग 11 लीग दिखानी थी, ज़्यादा नहीं थी इसलिए मैंने एक एक ओपन करके आपको दिखा दिया। इस तरीके से हमने यहाँ पे विन किया, ये हमारी टीम है, ये हमारे ओपोनेंट की टीम है। अब क्या है कि आज से 100 का विमेंस का भी मैच स्टार्ट हो रहा है जो कि रात में 11 बजे से खेला जाएगा लगभग। ये वाला मैच आज जल्दी होगा, 7:30 बजे से 100 का ये मैच खेला जाएगा। रक्षाबंधन आप सभी को पता है आज भी है, कल भी है, दो दिन है, तो मे बी हम लोग इस मैच में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सलाह ना दें अपने मेंबर्स को, वो हम लोग लास्ट टाइम में उनको बताएंगे। फिलहाल के लिए ये मैच हम कवर करने वाले हैं OVI और NOS का, और जिस तरीके से फेस्टिवल का सिनेरियो चल रहा है हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है रक्षाबंधन का, तो अपने लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, आपको अपने फेस्टिवल को तो पूरा इन्जॉय करना बहुत मस्ट है, क्योंकि अगर आप फेस्टिवल्स इन्जॉय नहीं करते हो तो इतनी अर्निंग करने का कोई बेनिफिट भी नहीं है। यही हम अपने मेंबर्स को भी सिखाते हैं, वो केवल फैंटेसी की फील्ड में ग्रो नहीं करते हैं, वो अपनी लाइफ में भी ग्रो करते हैं। कैसे लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, किस चीज़ पे क्या ध्यान देना चाहिए, कहाँ फोकस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी वो सीखते हैं। आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच में T20 है, जो कि हमने लास्ट मैच जो कवर किया था उसमें हमने अच्छा का प्रॉफिट कमाया था, आपने देखा होगा लाखों रुपए की विनिंग उसमें भी हुई थी। तो इसको हम तभी कवर करेंगे जब हम ये वाला 100 कवर नहीं करेंगे, क्योंकि लगभग क्लैश कर रहा है, 30 मिनट का अंतर है, तो एक समय में एक मैच में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उसके बाद रात वाला मैच 100% कवर किया जाएगा विमेंस वाला, ये जो OVI और NOS दो 100 के हमारे पेड मेंबर हैं उनको विमेंस की भी टीम दी जाएगी और बड़ा प्रॉफिट करवाया जाएगा और सभी को बताया जाएगा जितने भी हमारे पेड मेंबर हैं कौन सी लीग ज्वाइन करनी है, कैसे क्या है। आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं, हम सब आपको बताते हैं, आपको बस अपना टोटल बजट बताना होता है। जब हम आपको बोलेंगे बताने उसके बाद हम आपको अमाउंट और लीग बताएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि पेड मेंबरशिप जो लेना चाहते हैं उनको एक चीज़ मैं बता दूं कि हमने कल भी स्पॉट अनाउंस किया था जो कि 10 मिनट के अंदर में फुल हो गया था। अब किसी को भी पेड मेंबरशिप नहीं दी जा रही है, जो हमारे ओल्ड मेंबर रह चुके हैं उनको दी जा रही है, और जो नए मेंबर्स जो मैसेज करें, जो पहली बार हमारा पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं, हम देखते हैं उनके मैसेज करने का तरीका कि वो लेने के लिए कैपेबल है कि नहीं, डिजर्विंग है कि नहीं हमारा पेड मेंबर्स बनने के लिए,
उसके बाद इन देते हैं। कुछ लोग इररेलीवेंट क्वेश्चंस करते हैं, हम तभी समझ जाते हैं कि इनको देने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे हमने चार्ज बताया तो उनको समझ में ही नहीं आता इसका क्या मतलब है। तो आपको जब वही नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप फैंटेसी की फील्ड में क्या कर रहे हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग इररेलीवेंट क्वेश्चंस करते हैं, जैसे हमारा जो पेड मेंबरशिप का चार्ज है वो पूरी सीरीज का है। आप उसमें एक मैच की टीम कहोगे हमको चाहिए तो भी वही चार्ज है, एक हफ्ते का भी वही चार्ज है, 10 दिन का भी वही चार्ज है, कोई भी डिस्काउंट 1 रुपये का भी नहीं दिया जाता। और डिस्काउंट दिया भी क्यों जाए, किस खुशी में दिया जाए। ये जो फैंटेसी की फील्ड है इसमें हम लोग टैक्स भी पेमेंट करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट होता है, जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पेड मेंबरशिप के लिए उस पर हमको GST भी पेमेंट करना होता है, हमारे वहाँ भी खर्चे होते हैं, प्लस जो न्यूज कलेक्ट करने के लिए हम लाखों रुपये पेमेंट करते हैं वो भी अलग से हमारे एक्सपेंसेज होते हैं। तो डिस्काउंट देने की कोई वजह नहीं है। डिस्काउंट वो देते हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है या जो चाहते हैं आपसे फ्रॉड करना। वो चाहते हैं अगर मेरी अगर चार्ज है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 रुपये का चार्ज है, अगर आप कहोगे कि 8 रुपये हम देंगे तो 8 रुपये भी अगर आप फ्रॉड करने वाले व्यक्ति होंगे तो 8 रुपये भी आपको काटेगा नहीं, आप कहोगे चलो ठीक है 8 रुपये ही दे दो। लेकिन हमारे यहाँ 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता है किसी भी नए मेंबर को। नए मेंबर को डिस्काउंट वो देते हैं जो कि खुद लॉस में है। हमको पेड मेंबर्स की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी 11,000 से ज़्यादा पेड मेंबर्स हैं, कंटिन्यू रेगुलरली वो विन करते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके देखो लाख रुपए की उनकी विनिंग, हमारी 36 करोड़ के आसपास पेड मेंबर हमारी जो विनिंग हुई है पेड मेंबरशिप के अलावा। पेड मेंबर्स से अगर मैं बात करूँ जो उनको विनिंग होती है वो अलग है, हमारी विनिंग अलग है, हमारी 36 करोड़ के आसपास विनिंग हुई है। और पेड मेंबर्स की बात करूँ तो वो कई बार हमसे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हमारे प्राइम मेंबर थे, एक मैच में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो उनकी तो और कहीं ज़्यादा विनिंग हुई होगी। तो ये सारी बातें मैंने बता दी। डेमो एट रॉयल्टी हम नहीं देते हैं। हमारा जो पेड मेंबरशिप के लिए नंबर है 9140233474, 9140233474, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है। जितने भी टीम लीक करने वाले या जितने फ्रॉड मार्केट में घूम रहे हैं सभी को, अगर वो रियल में हमारा पेड मेंबर है तो उसको हम इतना लॉस करवा देते हैं कि उसके बाद वो फैंटेसी खेलने लायक वो व्यक्ति नहीं रहता, अगर वो टीम को लीक कर रहा है। बाकी मेंबर्स को अच्छा प्रॉफिट करवाया जाता है। तो यही शर्त रहती है, आप हमारे साथ ऑनेस्ट रहो, हम हमारे आपके साथ ऑनेस्ट रहेंगे। और ऐसे ही लोग फिर बाद में जाकर के वीडियो वगैरह बनाते हैं कि सागा फ्लैशबैक से हमने पेड मेंबरशिप ली, उन्होंने हमको लॉस करवा दिया, या तो कमेंट्स वगैरह करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम जानबूझ के लॉस करवाते हैं बिकॉज वो लॉस डिजर्व करते हैं। लेकिन जिनको विन करना रहता है उनके आप फीडबैक के मैसेज वगैरह देख सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और लाइव विनिंग प्रूफ के वीडियो में भी दिखाया जाता है। सारी बातें मैंने बता दी। आज टाइम की थोड़ी सी कमी है इसलिए प्रिडिक्शन के वीडियो आज भी नहीं आ पाएंगे और कल भी नहीं आ पाएंगे। कल अगर टाइम होगा तो आएगा, अदरवाइज परसों से आपको प्रिडिक्शन का वीडियो भी दिया जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका होस्ट संकुर साइनिंग आउट। बाय।